नमस्कार, मैं डॉक्टर हेमंत शर्मा। आज आपको बताने जा रहा हूं कि पैसा कैसे कमाया जाए, अमीर कैसे बना जाए और मालिक कैसे बना जाए। देखो, पहली चीज मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, ये पेशेंट ओरिएंटेड नहीं, ये मैं आपको बता रहा हूं हाउ टू अर्न मनी, पैसा कैसे कमाया जाए। देखो, आप सोचते हैं कि पहले एक क्वेश्चन का आंसर दे देना मेरे कॉमेंट सेक्शन में जाके, दुनिया में ऐसी कौन सी यूनिवर्सिटी है, ऐसी कौन सा कॉलेज है या ऐसी कौन सी डिग्री है जो आपको मालिक बनना सिखा दे। आप डॉक्टर बनते हो, नौकरी करोगे, नौकर बनना सिखाया जाता है। इंजीनियरिंग करोगे, नौकरी करोगे, नौकर बनना सिखाया जाता है। एमबीए करोगे, किसी मल्टीनेशनल कंपनी को ज्वाइन करोगे, नौकर बनोगे। आप कुछ भी कर लो, हर प्रोफेशन घूम फिर के नौकरी पे ही फोकस करता है। सरकारी नौकरी दे दो, प्राइवेट बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी करें, तो आप मुझे एक ऐसी यूनिवर्सिटी, एक ऐसे कॉलेज का नाम बताओ जहां पे मालिक बनने की ट्रेनिंग दी जाती हो। ठीक है, अब मैं ये चीज क्यों कह रहा हूं, ये पैसा कमाने में इंपॉर्टेंट चीज क्यों है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्यों है, समझो इस बात को, तभी आदमी पैसा कमा सकता है। देखो, अगर आप सोचते हैं कि मैं डॉक्टर बनूंगा और खूब सारा पैसा कमाऊंगा तो डॉक्टर बनने की जरूरत नहीं है। अगर आप सिर्फ पैसा कमाने के लिए डॉक्टर बनना चाहते हैं तो डॉक्टर मत बन भाई, कुछ और बन, कुछ भी कर। इंजीनियर इसलिए बन रहे हो, पैसा कमाऊंगा, मालिक है ना, तो पैसा कमाने के बहुत सारे रूट हैं। अब मैं आपको बताता हूं, जो पढ़े लिखे लोग हैं और जो बेचारे अनपढ़ लोग हैं, तो आपको क्या लगता है कौन ज्यादा पैसा कमाने की ताकत रखता है, कौन मालिक बनने की शक्ति रखता है, इसका भी आंसर कमेंट सेक्शन में देना आप। ठीक है, तो मैं बताता हूं, पैसा कमाने के लिए डॉक्टर बनने की जरूरत नहीं है, इंजीनियर बनने की जरूरत नहीं है, कुछ भी बनने की जरूरत नहीं है। हाँ, पढ़ाई बेसिक स्टडी होनी चाहिए, पर आप सोच रहे हैं कि डॉक्टर बन के पैसा छाप लूंगा, इंजीनियर बन के छाप लूंगा, तो नौकर बन के रह जाओगे, मालिक नहीं बन पाओगे। मालिक बनने के लिए चाहिए होता है माइंडसेट, एक लिमिट से ज्यादा पैसा कमाने के लिए चाहिए माइंडसेट, टैलेंट, आइडियाज, आपका आइडिया, फिर उस आइडिया पे को इंप्लीमेंट करें, उस पर काम करें, और एक दिन में किस्मत नहीं बदलती है। हाँ, करोड़ में एक आदमी की लॉटरी लगती है, लगती है, पर जो करोड़ों लोग फॉलो करेंगे वो होता है कंसिस्टेंसी, एक पात पे मेहनत। कैसे, जब पानी की एक बूंद रोज पत्थर पे गिरती है तो पत्थर दरार आ जाती है। आप एक पहाड़ी पे जाइए, एक हथौड़ा रोज मारिए, कुछ नहीं हुआ। आज फिर दूसरे दिन मारिए तेज, कुछ नहीं हुआ। चौथे दिन, पांचवें दिन, दस दिन, बीस दिन, तीस दिन, चालीस दिन, 41 डे उठाना हथौड़ा, हथौड़ा उठाते ही वो तड़ 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 करके टूट जाएगा। तो इसको कहते हैं मेहनत। कई वीडियोस आते हैं जो ऐसे बनाते हैं डॉक्टर्स की, क्या डॉक्टर रेंज रोवर खरीद सकता है, तो फिर वो नकली सा कागज निकाल के बोलते हैं हाँ खरीद सकता, जाओ भाई चेक लेके रेंज रोवर ले आओ। ऐसा नहीं होता, आप डॉक्टर हो या नहीं हो इससे कोई मैटर नहीं करता, आप इंजीनियर हो या नहीं हो उससे कोई मैटर नहीं करता, मैटर करता है आपका माइंडसेट, आपका ब्रेन। ये क्वालिटी होती है हर आदमी में पैसा कमाने की। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको साइन करना नहीं आता, अंगूठा लगाते हैं अंगूठा, ठीक है, उनकी संपत्ति कई हजारों लाखों करोड़ों में है, ठीक है, पढ़ना नहीं आता, उनके अंदर में बहुत सारे पढ़े लिखे काम कर रहे हैं। अगर आप यूनिवर्सिटी की एजुकेशन ठीक है, कोई भी बड़ा आदमी जो पैसे वाला बनेगा वो आपके सपनों का इस्तेमाल करके अपने सपने पूरे कर लेगा, आपकी मेहनत का इस्तेमाल करके, आपके डिग्रियों का, आपका टैलेंट का इस्तेमाल करके। नौकरी करने के लिए डिग्री की जरूरत होती है, मालिक बनने के लिए नहीं। ध्यान रखो, मालिक बनना है, बिन डिग्री के भी बन सकते, पर पढ़ाई एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, आप बहुत सारे और भी कुछ अच्छा कर सकते हैं, पर अगर आप बहुत ज्यादा पढ़ लेते हैं तो आप बहुत से काम कर ही नहीं पाते, आप जिंदगी में कई चीजें कर ही नहीं पाते। जो स्टूडेंट 95 अबाव है वो लाइफ में कोई बहुत ज्यादा सक्सेस नहीं पाता, सक्सेस पाते हैं एवरेज स्टूडेंट, क्योंकि वो एवरेज रहते हैं, पढ़ाई पे इतना फोकस नहीं करते, पर दूसरी चीजों पे बहुत फोकस करते हैं, तो वो बहुत आगे चले जाते हैं, वो दुनिया में सब कुछ कर लेते हैं, वो मस्ती, मजाक, एंजॉय, पैसा कमाना सब कुछ कर लेते हैं। जो बैक बेंचर्स होते हैं वो हमेशा लाइफ में हीरो बनते हैं, ऐसा हर बार नहीं होता, पर वो हाईली टैलेंटेड होते हैं। ध्यान रखना, किसी को बात बुरी लगी हो तो मुझे नहीं पता, पर अगर आप 95-99% अपना स्टडी में दे दोगे तो बाकी क्या करोगे जिंदगी में, कुछ नहीं किया आपने, तो जिंदगी में बहुत कुछ करना है। उसके बाद आप बहुत कुछ करके भी कर लेते हो तो बहुत अच्छी बात है। अब मैं आपको बताता हूं, एजुकेशन इंपॉर्टेंट है, मैं एजुकेशन की बुराई नहीं कर रहा, पर एजुकेशन करके आप सिर्फ नौकर बनने का ही रास्ता ढूंढते हो वो गलत है।
देखो, अगर आपका सैलरी पर मंथ 1 लाख रुपए है, 1 लाख रुपए है तो 1 साल में 12 लाख कमाओगे, 10 साल लगेंगे आपको 1 करोड़ 20 लाख कमाने में, 10 साल लगेंगे। उसमें अगर आपने एक भी खर्चा नहीं किया, गाड़ी नहीं खरीदी, कुछ रोटी नहीं खाई उस पैसे की, तब 1 करोड़ 20 लाख। तो करोड़पति बनने में 10 साल लग गया आपको, अच्छी से अच्छी डिग्री लेके लाख रुपए की जॉब करते हो तो। ये है, पर मालिक बनने के लिए डिफरेंट सोच होती है, डिफरेंट तरीका होता है, एक माइंड सेट होता है। पढ़ना अच्छी बात है, कोई बुरी बात नहीं, पर पढ़ के सरकारी नौकरी के पीछे भाग रहे हैं, डॉक्टर्स भी भाग रहे हैं, इंजीनियर्स भी भाग रहे हैं, 1000 पोस्ट निकलती है, 10 हजार बैठ जाते हैं उसमें, है ना। तो वो आपका माइंड सेट बताता है कि यूनिवर्सिटी आपको एक नौकर बना के निकाल रही है, मालिक वाली सोच नहीं आई है। तो जब तक नौकर रहोगे जिंदगी में कुछ नहीं कर पाओगे, मालिक बनोगे तो बहुत सा देश को भी फायदा होगा, आप टैक्स दोगे, लोगों को रोजगार दोगे। और देखो, नौकरी करना कोई बुरी बात नहीं है, नौकरी कीजिए, एक टाइम पे कुछ काम सीखना भी होता है, साल 2 साल, पर हमेशा नौकर बन के जिंदगी मत निकालो, मालिक बनने की भी सोच डालो, 2 साल 3 साल 5 साल 10 साल। कभी तो दिमाग में ऐसा है, सरकारी नौकरी में घुस गए, बीड़ी पी रहे हैं, गुटखा खा रहे हैं, मौज कर रहे हैं, पैसा मिलेगा, काम नहीं कर रहे हैं, ठीक है। एक एग्जांपल देता हूं, जो प्राइवेट बैंक का मैनेजर होता है, फट 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 कंप्यूटर चलाता है, फट काम कर देता है, जो सरकारी का होता है वो यूं करता, फिर दूसरा बटन दबाएगा, अच्छा आपका काम। तो ये भी क्वालिटी डिफरेंस है गवर्नमेंट और प्राइवेट में, अभी हो सकता है इंप्रूवमेंट हो गया हो, जहां तक है आप लोगों का एक्सपीरियंस होगा गवर्नमेंट वर्क कैसा होता है और प्राइवेट वर्क कैसा होता है। तो ऐसी चीजें हैं, ठीक है। दुनिया में अगर आपको आगे बढ़ना है, बड़ा बनना है ना, तो ब्रेन सेट चाहिए, आपकी सोच होनी चाहिए, आपका आइडिया होना चाहिए, आप में दम होना चाहिए, आप में फोकस होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए किस आइडिया पे चल के आप आगे बढ़ सकते हैं। इसका कोई मूल मंत्र नहीं है, आप सोचे कि मैं अमीर बन जाऊंगा, डॉक्टर बन के, इंजीनियर बन के, कुछ भी बन के, तो कभी नहीं बन सकते। इसको बनने के लिए आपको बुद्धि चाहिए, दिमाग चाहिए, धैर्य चाहिए, दम चाहिए, आइडियाज चाहिए, और जोश, जज्बा, जुनून चाहिए। और आपके अचेतन मन, जिसको सबकॉन्शियस माइंड बोलते हैं, उसमें ये बात बैठनी चाहिए कि मैं नौकर नहीं, मालिक बनना चाहता हूं। एक दिन में मालिक नहीं बन सकते, नौकर बनो, करो कोशिश, पर दिमाग मालिकों वाला रखो। ये नहीं, ये काम नहीं कर रहे, तनख्वाह चाहिए, मौज करनी है जिंदगी में, मस्ती मस्ती मस्ती। हर आदमी, कुछ ऐसे भी हैं जो बोलते हैं मजा 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 जिंदगी में चाहिए, सिर्फ मजा, कुछ साल मजा करते हैं, उसके बाद जिंदगी बनती है सजा 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 सजा। कुछ लोग ऐसे होते हैं जेब में 1 रुपया रख के लाखों करोड़ों का एम्पायर खड़ा कर देते हैं, कुछ लोग ऐसा होते हैं कि जो बाप के दम पे पैसा मिलता है, दादा से मिलता है लाखों करोड़ों का एम्पायर, उसको जीरो कर देते हैं, ड्रग्स लेते हैं, उनका नाम खत्म कर देते हैं, सब खत्म कर देते हैं। देखो, नौकरी करो, मैं नौकरी के अगेंस्ट में नहीं हूं, गवर्नमेंट जॉब करो, सब कुछ करो, पर मेरा यहां मोटिवेशन, इंटेंशन ये है कि आप ऐसा माइंडसेट भी रखो कि नौकरी कुछ साल की हमने, साल 2 साल 3 साल पैसा इकट्ठा किया, अब अपना व्यापार करें, लोगों को रोजगार दें, मालिकों वाली सोच लाए, फिर उस बिजनेस को बढ़ा दें। तो वो आपको ही करना होगा, कोई नहीं सिखा सकता ये मंत्र। लास्ट में थैंक यू, धन्यवाद, वीडियो अच्छा लगा लाइक करें, चैनल पे नए सब्सक्राइब कर लें, गुड बाय।